सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है प्रो एमटीआर यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक 2023 वर्सेस होंडा एसपी 125 2023 मॉडल के डिटेल कंपैरिजन। कौन सी बाइक ज्यादा अच्छा है और कौन सी बाइक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जी हाँ गाइस, सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक 6 मार्च को लॉन्च हुई है और एसपी 125 जनवरी को लॉन्च हुई है। तो इस दोनों बाइक में कौन सी बाइक में ज्यादा पावर, माइलेज, कम्फर्ट और लुक्स और ऑन रोड प्राइस है, सब कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक आपको ग्लॉस ब्लैक, कैंडी ब्लेजिंग रेड, मैट एक्सिस ग्रे, ये तीन कलर ऑप्शंस पे आपको देखने को मिल जाती है। और दूसरी तरफ होंडा एसपी 125 में आपको पांच कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक है स्ट्राइकिंग ग्रीन, मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, इंपीरियल रेड मेटालिक, एथलेटिक ब्लू मेटालिक और पियल साइलेंट ब्लू आपको कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। सो पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक में 124.7 cc और होंडा एसपी में आपको 124 cc का इंजन की यूज़ की हुई है। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर सुपर स्प्लेंडर की आपको 10.72 और होंडा एसपी में भी आपको लगभग सेम ही दिखा रही है। तो यहाँ पर दोनों ही बाइक में सिंगल सिलेंडर की यूज़ की हुई है और दोनों ही बाइक एयर कूलिंग सिस्टम पे काम करती है। और भी दोनों बाइक में आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों बाइक में ही वाउंड डाउन 4-up सिस्टम पे ही रन करती है। सो फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक में वेट मल्टीप्लेट क्लच की यूज़ की हुई है और दोनों ही बाइक FIC इंजन के रन करती है। और यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको 12 लीटर्स की टैंक और होंडा एसपी 125 में आपको 11 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि दोनों ही बाइक में 1 लीटर और होंडा एसपी में आपको 1.7 लीटर्स की आपको रिजर्व टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो कि सुपर स्प्लेंडर से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको 60 से लेकर 62 kmpl तक आपको माइलेज मिल सकती है और होंडा एसपी 125 में आपको 62 से लेकर 65 kmpl तक आपको माइलेज मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको पर हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको टॉप स्पीड 109 kmph तक देखने को मिल जाती है और दूसरी तरफ आपको होंडा एसपी 125 में आपको 113 किलोमीटर पर आवर तक आपको टॉप स्पीड मिल सकती है। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम और होंडा एसपी 125 में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। दोनों ही बाइक डिक्स और ड्रम वेरिएंट में अवेलेबल है और दोनों ही बाइक का जो फ्रंट ब्रेक साइज 240 mm और रियर ब्रेक साइज 130 mm का है और दोनों ही बाइक 18 inch का ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील्स के साथ ही दोनों बाइक आती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और रियर में आपको 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर की यूज़ की हुई है और होंडा एसपी 125 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन की यूज़ की हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको ज़्यादा अच्छी कम्फर्ट मिलने वाली है। वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको 123 किलो की और होंडा एसपी 125 में आपको 117 किलो की वेट देखने को मिल जाती है। और सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको 242 mm की लेंथ और होंडा एसपी 125 में आपको 220 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। और सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको 799 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है और दूसरी तरफ होंडा एसपी में आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। और चेसिस के बारे में बात करें तो आपको स्प्लेंडर एक्स सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम कटिंग मिल जाती है और यहाँ पर होंडा एसपी 125 में आपको डायमंड टाइप शेप देखने को मिल जाती है। सो फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको ओडोमीटर सेमी डिजिटल देखने को मिल जाती है और दूसरी तरफ आपको होंडा एसपी 125 में आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको DRL मिल जाती है पर होंडा एसपी में आपको अभी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको ऐप कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाती है और दोनों ही बाइक में GPS नेविगेशन का इस बार नहीं इस्तेमाल की हुई है। यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि होंडा एसपी में अभी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दोनों ही बाइक में स्पीडोमीटर डिजिटल यूज़ की हुई है। यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको डिजिटल फ्यूल गेज नहीं मिलते हैं पर होंडा एसपी 125 में आपको डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको साइड स्टैंड एलम भी आपको देखने को मिल जाती है बट होंडा एसपी 125 में आपको साइड स्टैंड एलम नहीं मिलती है। सो हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक में आपको AMF बैटरी 12 वोल्ट की मिलती है और यहाँ पर आपको हेडलाइट भी आपको दोनों ही बाइक के सेम देखने को मिल जाती है।
और दोनों ही बाइक में ब्रेक और इंडिकेटर्स लाइट हैलोजन लाइट्स है, और दोनों ही बाइक में आपको पासिंग लाइट भी मिल जाती है। तो हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको एडिशनल सर्विस रिमाइंडर एंड मल्टी फंक्शनल इंडिकेटर्स मिल जाती है, और होंडा एसपी 125 में आपको साइलेंस स्टार्ट ACG ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और होंडा एसपी 125 दोनों बाइक में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़रूर से कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना, और इस वीडियो को कैसी लगी ज़रूर से वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करना, और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक आपको ड्रम वेरिएंट पे 101,700 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा, और डिक्स वेरिएंट का बात करें तो यहाँ पर आपको डिक्स वेरिएंट 107,170 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड कोलकाता में सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का डिक्स वेरिएंट का प्राइस आपको, और एसपी 125 के ड्रम वेरिएंट का जो प्राइस है अभी कोलकाता में ऑन रोड वो है 102,900 रुपये के आसपास, और इसका डिक्स वेरिएंट का जो प्राइस है वो 106,350 रुपये के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस अभी कोलकाता में। सो गाइस, आपको वीडियो देखने में कैसी लगी ज़रूर से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये भी बताना कि आप हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक या होंडा एसपी 125 आप कौन सी बाइक लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय।